Hello kids and their parents. So how are you all? I hope you all are fine. So today's our session is for English class. In English class today we will learn vowel sound I. उससे related हमें sentence पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम आपकी जो book है phonics primer, ठीक है, इसे आप open करेंगे page number 18. तो उसमें आपके पास वॉवल साउंड आई के कुछ वर्ड्स हैं, तो पहले हम उनको देख लेते हैं जो कि आई बी साउंड वर्ड्स. मैंने आपको आई साउंड वर्ड्स पढ़ाए हैं, उसमें मैंने फैमिली बताई थी आपको, आई साउंड की फैमिली होती है. तो आई साउंड की जो पहली फैमिली है इसमें इप है, आई बी इप साउंड वर्ड्स. तो उसमें है आपके पास पहला रिब, आर आई बी रिब, बी आई बी बिब, एन आई बी निब, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपके पास आई जी साउंड वर्ड्स. आई जी की जो प्रोनाउंसिएशन होती है, जो हम बोलते हैं, वो बोलते हैं एक, ठीक है. तो इसमें जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं, डी आई जी डिक, डब्ल्यू आई जी विक, एफ आई जी फिग. फिर है आपके पास आई डी साउंड वर्ड्स, यानी कि इड, जो आवाज़ आएगी इड आएगी, ठीक है. एल आई डी लिड, एच आई डी हिट, के आई डी किड. फिर है हमारे पास आई एन साउंड वर्ड्स, जिसमें कि एफ आई एन फिन. फिन क्या होता है, जो आपके पास इसमें दी है ना फिश, फिश के ऊपर ऐसे बना हुआ है, इस तरीके से बना होता है फिश के ऊपर, तो ये जो होता है ये होता है फिन, ठीक है. फिर है हमारे पास नेक्स्ट पिन, पी आई एन पिन. नेक्स्ट बिन, ठीक है. अब है आई पी साउंड वर्ड्स. आई पी की जो साउंड आती है वो आती है इप. क्या आती है साउंड, इप. तो उसमें कौन कौन से वर्ड हैं, जेड आई पी जिप, एल आई पी लिप, एस आई पी सिप, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास आई टी साउंड वर्ड्स. आई टी यानी कि इट, आई टी को क्या बोलेंगे, इट, इट साउंड वर्ड्स. एच आई टी हिट, पी आई टी पिट, के आई टी किट, ठीक है. तो अब इन्हीं वर्ड्स से रिलेटेड हमारे पास लाइन्स दिए हुए हैं, सेंटेंस दिए हुए हैं. अब उन्हीं को यहाँ पे हमने क्या करना है, रिकग्नाइज करके समझना है क्या लिखा है, ठीक है. तो आपने पिक्चर्स देख ली हैं पीछे, वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं और वही वर्ड्स यहाँ पे हैं. तो यहाँ पे है टी आई एम टिम हैज़ अ विक. तो टी आई एम टिम, ठीक है. एच ए एस हैज़ क्या बन गया, हैज़. अब मैंने बताया था ए नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, जब अकेला होता है तो क्या बोलते हैं, अ, क्या बोलेंगे, अ, ठीक है. टिम हैज अ विग, डब्ल्यू आई जी विग, ठीक है. इस तरीके से आपको आगे का भी पढ़ना है. ही किसके लिए बोल रहे हैं, टिम के लिए ही, ठीक है. ईट द फिग, ईट यानी कि खाना, ठीक है. ई ए टी, ई ए टी ईट, ठीक है. नेक्स्ट है ही डिग अ पिट एंड हिट अ किड. फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट, नेक्स्ट में देखेंगे. के आई एम किम, के आई एम, के आई एम क्या बना, किम, ठीक. हैज सेम हैज, एच ए एस हैज. अ पिन, इट इज ऑन द टिन. Kim and Tim sit on the bed, on a bed. आप पिक्चर्स को देख देख के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या आ रही है, ठीक है स्टोरी. फिर है नेक्स्ट, she hid the kit in the pit. She hid the kit in the pit. Hid, H I D, hid एक वर्ड है. Hid, hid मतलब होता है छुपाना. क्या होता है, छुपाना, ठीक है. तो नेक्स्ट जो लास्ट पैराग्राफ है वो आप खुद से पढ़ोगे और खुद से इसको रीड करोगे, ठीक है. तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, थैंक यू.